नमस्ते, आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज चर्चा कर रहे हैं कैवल्यपाद के 28वें सूत्र की, जिसमें हमने पिछले उसमें कहा कि संस्कारों का कुछ मिलावट, कुछ संस्कारों के जो प्रबल संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं विवेक ज्ञान के बीच में आ जाते हैं, जिससे कि विवेक ज्ञान टूट जाता है और उसके टूटने से फिर सांसारिक ज्ञान थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो समाधि में दिक्कत आ सकती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो उस बाधा के लिए जिस प्रकार से कहा कि जैसे क्लेशों का नाश हो गया था वैसे ही संस्कारों का क्या हो, उसके विषय में 28वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, हानमेषां क्लेशवत् उक्तम। ये सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, इसमें कहा हानमेषां, हान माने नाश होना, नष्ट होना, समाप्त होना, उसको कहेंगे हान। हान का मतलब नाश होना, नष्ट होना, समाप्त हो जाना, उसकी समूल रूप से नष्ट हो जाना। ईशाम यानी कि ईशाम यानी कि जो संस्कार हैं, जो पूर्व जनित संस्कार हैं, उनका नाश हो जाना क्लेशवत्, यानी कि जिस प्रकार क्लेशों का हुआ था, उक्तम ऐसा कहा गया है। माने ये सूत्र कहता है कि जिस प्रकार क्लेशों का नाश हुआ था, क्रिया योग के माध्यम से हमने क्लेशों का नाश कर दिया था, उसको उनको नष्ट कर दिया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इनको हमने क्रिया योग के माध्यम से समाप्त कर दिया, ये दग्ध बीज हो गए, इसी प्रकार ये जो संस्कार हैं, पूर्व जनित जन्म के जो संस्कार हैं, उनका भी नाश होना निश्चित है, उनका भी नाश ऐसे ही होता है जैसे क्रिया योग का हुआ था। तो अब किसके द्वारा होता है, कौन सी सिद्धि, कौन सी ताकत ऐसी चाहिए जिनसे पूर्व जनित संस्कारों का भी नाश करवाएं। अब क्रिया योग तो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमने अपने जो क्लेश हैं उनका नाश कर दिया, लेकिन जो पूर्व जनित संस्कार हैं उनका नाश किस प्रकार होगा, उनका नाश होगा निश्चित रूप से, ये तो 28वां सूत्र कहता है, लेकिन उसके लिए किस प्रकार की योग्यता चाहिए वो 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं और 30वें सूत्र में फिर उसके विषय में कहते हैं कि इससे संस्कारों का नाश होगा। तो 28वां सूत्र केवल ये बताता है कि जिस प्रकार क्लेशों का नाश हुआ था ठीक उसी प्रकार हान मेशाम यानी कि ऐशाम या ऐशाम कहें और हान कहें तो उस पूर्वजनित जो संस्कार है उनका भी नाश होगा ऐसा कहा गया है। ये सूत्र का पूरा सार मैंने आपको बताया। तो जिस प्रकार से क्लेशों का नाश हुआ उसी प्रकार संस्कारों का भी नाश निश्चित है, इसी का अर्थ है हान मेशाम क्लेशवत् उक्तम। जिस प्रकार से क्लेशों का नाश हुआ वैसे ही संस्कारों का भी नाश होगा। और इस सूत्र को यदि पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पढ़ भी सकते हैं, आपको और भी अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाएगी। और आगे संस्कारों को का नाश करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए वो 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं। जल्द ही 29वें सूत्र को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप स्वाध्याय करिए, अच्छा लोगों का सानिध्य करिए, क्यूरियोसिटी पैदा करिए, सवाल जो है वो पूछिए और सुझाव दीजिए मुझे, इससे और बेहतर हम इस कार्यक्रम को बना सकें। आपके निरंतर मिल रहे सहयोग और नए आगंतुकों के कारण हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और आपके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए, आपके सफल जीवन की कामना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।